नमस्कार, राजेश खन्ना पार्ट टू की वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आपके फेवरेट चैनल। हमें याद है कि हमने पिछली वीडियो में आपके साथ एक वादा किया था। वादा क्या था? राजेश खन्ना की जिंदगी में आई उस महिला के बारे में बताने का, जिससे आने से उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन उससे पहले आपको एक दिलचस्प किस्सा बताती हूँ। राजेश खन्ना एक रोमांटिक हीरे थे, तो जाहिर सी बात है उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा उनकी फीमेल फैंस हुआ करती थी। उनके फीमेल्स फैन उनको इस कदर प्यार करती थी, उनको इस कदर चाहती थी कि उसके पीछे पागल थी। बहुत सारी लड़कियों ने राजेश खन्ना की फोटोग्राफ के साथ शादी कर ली थी, बहुत सारी लड़कियों ने राजेश नाम का अपने बॉडी पे टैटू बनवाया था, और बहुत सारी लड़कियां अपने खून से उनको लेटर लिखा करती थी। एक किस्सा बताते हैं हम। राजेश खन्ना एक प्रोड्यूसर से मिलने उसके घर गए और उन्होंने अपनी कार को घर के बाहर सड़क किनारे पार्क कर दिया। जैसे ही उनके फैंस को पता चला, जैसे ही उनकी फीमेल फैंस को पता चला कि वो कार राजेश खन्ना की है, उन्होंने उस कार को इस कदर चूमा कि उनके लिपस्टिक के रंग से वो सफेद रंग की कार गुलाबी हो गई थी। एक्टर राजेश खन्ना की शादी के वक्त भी उनके फैंस ने क्रेजी कारनामा किया, जिससे राजेश साहब के स्टारडम का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप को उनके फैंस के लिए थिएटर में दिखाया गया। फिर क्या था, थिएटर में वो शादी की वीडियो देखते ही लोगों ने जोरों शोरों से सीटियां मारनी शुरू कर दी। तालियों की गड़गड़ाहट से थिएटर गूंज उठा। वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस का ठीक वैसा ही रिएक्शन था, जैसे मानो पर्दे पे कोई कमर्शियल फिल्म चल रही हो और राजेश और डिंपल उस फिल्म के हीरो हीरोइन हो। उस वक्त में राजेश खन्ना के स्टारडम का मुकाबला कर पाना किसी भी स्टार के लिए ना तो तब आसान था और ना ही अब। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी भी एक फिल्मी कहानी की तरह रही। राजेश खन्ना और एक्ट्रेस अंजू महिंद्रू एक दूसरे को तकरीबन 7 साल तक डेट करते रहे। राजेश खन्ना अंजू से जल्द शादी करना चाहते थे, मगर अंजू इस रिश्ते को थोड़ा और वक्त देना चाहती थी, और इसी बात को लेकर दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद ही राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया समंदर किनारे वॉक पर निकले, जहां राजेश साहब ने अचानक से ही डिंपल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इससे पहले कि डिंपल कुछ समझ पाती, उन्होंने तुरंत ही शादी के प्रपोजल को हाँ कह दिया। लेकिन खास बात तो तब हुई जब राजेश खन्ना अपनी बारात अंजू महिंद्रू के घर के सामने से लेके निकले, क्योंकि वो चाहते थे कि अंजू इस बारात को देखकर जेलस फील करे। राजेश खन्ना अपनी वाइफ डिंपल को एक बंगला गिफ्ट करना चाहते थे। उस वक्त एक्टर राजेंद्र कुमार अपना एक बंगला बेच रहे थे। जैसे ही बात राजेश खन्ना को पता चली, उन्होंने झटपट राजेंद्र कुमार से वो बंगला खरीद लिया। उस बंगले का नाम था डिंपल, जो कि राजेंद्र कुमार की बेटी के नाम पे था, और राजेश खन्ना ने वो बंगला खरीदने के बाद उसका नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया आशीर्वाद, और वो बंगला अपनी वाइफ डिंपल को गिफ्ट कर दिया। कहते हैं कि राजेंद्र कुमार ने वो बंगला इसलिए बेचा था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बंगला उनके लिए अनलकी है। वैसे देखा जाए तो बातें ये भी बनती हैं कि राजेश खन्ना के लिए भी वो बंगला आशीर्वाद, जो जिसका नाम बदल गया, वो उनके लिए अनलकी रहा, क्योंकि जैसे ही वो बंगला राजेश खन्ना ने खरीदा, उसके कुछ दिनों बाद, उसके कुछ सालों बाद ही उनकी फिल्मों ने पर्दे पे कमाल दिखाना बंद कर दिया। उनकी वाइफ डिंपल उनसे अलग हो गई। ये तमाम बातें हैं जो ये साबित करती हैं कि वो बंगला उनके लिए अनलकी था। डिंपल कपाड़िया से राजेश खन्ना का यूं तो असल में कभी तलाक नहीं हुआ, मगर दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे थे। जहां अलग होने के बाद डिंपल अपने फिल्मी करियर पर ध्यान दे रही थी, तो वहीं राजेश खन्ना की जिंदगी में अनीता आडवाणी नाम की महिला की एंट्री हुई। लेकिन इसके बारे में लोगों को राजेश खन्ना की मौत के बाद ही पता चला, जब अनीता ने खुद राजेश खन्ना के आशीर्वाद बंगले के साथ साथ उनकी 500 करोड़ की संपत्ति पर अपना हक जताया। अनीता ने कोर्ट में खन्ना परिवार के खिलाफ भी केस किया था। अनीता का कहना था कि डिंपल और राजेश के अलग रहने के बाद से वो राजेश खन्ना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। साथ ही उन्होंने राजेश खन्ना और उनके परिवार पर भी कई एलिगेशंस लगाए। अनीता आडवाणी, डिंपल कपाड़िया, अंजू महिंद्रू, इन तीन महिलाओं के अलावा भी एक मशहूर अदाकारा राजेश खन्ना के बेहद करीबी रही। वो अदाकारा है मुमताज। मुमताज एक ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ फिल्मी पर्दे पर बहुत कमाल किया। दोनों की जोड़ी ने मिलकर 8 सुपरहिट फिल्में दी और इस जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते थे। मुमताज और राजेश खन्ना बेहद करीबी थी, उन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थे। हालांकि दोनों का अफेयर नहीं था, लेकिन दोनों के बीच में एक बहुत नजदीकी रिश्ता था, बहुत अच्छी दोस्ती थी।
जब मुमताज ने अपनी शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली और जैसे ही ये बात राजेश खन्ना को पता चली तो वो मुमताज से बहुत टाइम तक नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि मुमताज फिल्मों से अलग हो जाएं, फिल्मों से दूरी बना लें। एक बार की बात है, राजेश खन्ना की तबीयत खराब थी और उनसे हॉस्पिटल में मिलने मुमताज पहुंची। बातों ही बातों में राजेश खन्ना को पता चला कि मुमताज भी कैंसर से पीड़ित हैं, उन्हें भी कैंसर है। जैसे ही राजेश खन्ना को ये बात पता चली वो मुमताज को पकड़ के बहुत रोए, बहुत फूट फूट के रोए। डिंपल कपाड़िया एक इंटरव्यू में खुद कह चुकी हैं कि दोनों की बॉन्डिंग को देखकर उन्हें खुद ऐसा लगता था कि इन दोनों की शादी होनी थी बजाय उनकी और राजेश साहब की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में जल्द ही होगी आप सबसे मुलाकात। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और हमें बताना है कि आप अगले वीडियो कौन से स्टार के ऊपर देखना चाहते हैं और आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और क्या करना है, और इससे जरूरी इम्पोर्टेंट काम करना है, वो करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है।